दो साइंटिस्टों को पता चलता है कि चंद्रमा की सतह पर हीरो का ढेर है, तो उसे पाने के लिए वह कालिया और लल्लन को जबरदस्ती रॉकेट में बिठाकर चंद्रमा की तरफ रवाना कर देते हैं। अरे साइंटिस्टों, तुम्हारा नास मिटे, हमें फिर से मौत के मुंह में भेज दिया। अरे मर गए रे लल्लन भाई, चंद्रमा पर वह चुड़ैल हमारा इंतजार कर रही होगी। हमारे वहाँ पहुँचते ही वह चुड़ैल हमें कच्चा ही खा जाएगी। अरे कालिया भाई, कृपा करके रोना बंद करो, मुझे कुछ सोचने दो। फिर थोड़ी देर में वह लोग चंद्रमा पर दोबारा पहुंच जाती हैं। फिर उनका रॉकेट चंद्रमा पर उतर जाता है। वह चुड़ैल बाहर ही खड़ी होती है। राजा जी, आप वापस आ गए, मुझे पता था आप वापस जरूर आएंगे। आखिर मेरा प्यार आपको वापस खींच ही लाया ना। अब जल्दी बाहर आइए ना, मुझसे और इंतजार नहीं होता। अरे कालिया भाई, ये तो मुझे अपना राजा समझ रही है, मेरी तो शाबती आ गई, अब क्या करूं? लल्लन भाई, यही सही मौका है अपनी दोस्ती साबित करने का। कृपा करके तुम बाहर चले जाओ, तुम्हें पाकर इस चुड़ैल की मनोकामना पूरी हो जाएगी, जिससे मेरी जान बच जाएगी। तेरा नास मिटे रे कालिया, मुझे बाहर मरने के लिए भेज रहा है, मैं कहीं नहीं जाने वाला। अगर ये मुझे अपना राजा समझकर खा गई तो मैं तुझे भी अपने साथ लेकर मरूंगा। फिर वह चुड़ैल जोर जोर से रॉकेट की खिड़की पर हाथ मारने लगती है। ए, जल्दी बाहर आ जा, नहीं तो मैं ये खिड़की को तोड़ दूंगी, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। लल्लन भाई, अगर इसने रॉकेट की खिड़की को तोड़ दिया तो ये रॉकेट वापस पृथ्वी पर जाने लायक नहीं बचेगा, और हम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ चंद्रमा पर ही फंस जाएंगे, और ये ऑक्सीजन भी ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली, कोई तो तरकीब लड़ाओ। अरे तुम फिक्र मत करो, जब तक हम इस रॉकेट के अंदर हैं, ये चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रॉकेट की खिड़कियाँ बहुत मजबूत होती है, ये चुड़ैल उसे तोड़ नहीं पाएगी। फिर चुड़ैल बहुत देर तक खिड़की पर अपना हाथ पीटती रहती है, लेकिन वह कांच को तोड़ नहीं पाती। मैं भी देखती हूँ तुम दोनों कब तक बाहर नहीं आओगे, तुम मुझे जितनी देर तड़पाओगे मैं तुम्हें उतना ही तड़पा तड़पा कर मारूंगी। फिर इतना बोलकर वह वापस अपने गड्ढे में चली जाती है। साइंटिस्ट भाई, हमारी जान बचा लो, कृपा करके इस रॉकेट को वापस बुलाने वाला बटन दबा दो, वह चुड़ैल तो बाहर ही खड़ी हुई है, अब हम क्या करें? देखो कालिया, रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला, रॉकेट को चांद पर भेजने में हमारा बहुत सारा पैसा खर्च हो गया है, अब तुम्हें किसी भी हाल में वहाँ से हीरे लाने ही होंगे, वरना वहीं मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे नास मिटे साइंटिस्ट, इस उम्र में तू हीरो का क्या करेगा, क्यों हमें मरवाने पर तुला हुआ है? अगर मैं जिंदा बचकर वापस धरती पर आ गया ना, तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे नास मिटे साइंटिस्ट, बटन दबा दे। कोई फायदा नहीं है कालिया भाई, जब तक हम वह हीरो को हासिल नहीं कर लेते, वह इस रॉकेट को वापस नहीं बुलाने वाले, अब हमें वो हीरे हासिल करने ही होंगे। फिर वह दोनों थोड़ी देर तक वहीं रॉकेट में इंतजार करते हैं। कालिया भाई, बहुत देर हो गई, लगता है वो चुड़ैल अपने गड्ढे में जाकर सो गई है, यही सही मौका है, हम जल्दी से जाकर वो सारे हीरे बटोर लेते हैं। ठीक है भाई लल्लन, वैसे भी हमारा मरना तो तय ही है, चलो जो होगा देखा जाएगा। कालिया भाई, रास्ता साफ है। फिर वह दोनों रॉकेट का दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाते हैं। फिर वह जल्दी जल्दी सारे हीरे एक थैले में भर ले। अरे वाह वाह, यहाँ तो बहुत सारे हीरे हैं, हम तो माला माल हो गए। अरे भाई, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, हमारे धरती पर पहुँचते ही ये सारे हीरे वह साइंटिस्ट ले लेंगे,
ऐसे कैसे ले लेंगे? हम कोई पागल हैं जो यहाँ अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हैं? मैं ये हीरे उन्हें नहीं देने वाला। फिर उनकी आवाजें सुनकर उस चुड़ैल की नींद खुल जाती है। अरे ललन भाई, हीरे छोड़ो और पीछे देखो, तुम्हारी अम्मा पीछे खड़ी है। अरे भागो रे, अपनी अपनी जान बचा कर भागो। अरे मर गए रे। अरे बूढ़े साइंटिस्ट, तेरा नाश मिटे, आज तो तू हमें मरवा कर ही छोड़ेगा। अरे कालिया भाई, मेरे लिए रुको, मुझे भी रॉकेट के अंदर आने दो। अरे बच गए रे, आज तो हम माला माल हो गए। ये देखो लल्लन भाई, अब की बार मैंने सारे हीरे अपने साथ उठा लिए हैं, हमारा काम पूरा हो गया। ए मूर्खो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ से ये सारे हीरे लेकर जाने दूंगी? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे भाई लल्लन, इस चुड़ैल को छोड़ो और जल्दी से उन साइंटिस्टों को फोन मिलाओ। हेलो हेलो साइंटिस्ट जी, हमने आपका काम कर दिया है, हमने सारे हीरे इकट्ठा कर लिए हैं, अब आप जल्दी से हमें वापस धरती पर बुला लो। हम तुम्हारा विश्वास कैसे कर ले कि तुमने सारे हीरे इकट्ठे कर लिए हैं? पहले हमें हीरे दिखाओ। अरे नास मिटे बूढ़े साइंटिस्ट, ले देख ले हीरे, हो गई तसल्ली, चल अब जल्दी से वह बटन दबा। फिर वह साइंटिस्ट रॉकेट को वापस बुलाने वाला बटन दबा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें ये सारे हीरे नहीं ले जाने दूंगी। अरे मर गए रे लल्लन भाई, वह देखो, वह चुड़ैल तो खिड़की से चिपक गई, अब क्या करें? अरे मर गए रे, मुझे तो लगता है अब ये चुड़ैल हमारे साथ धरती पर पहुंच जाएगी। अरे क्या हुआ, ये कैसी आवाजें हैं? आखिर वहाँ हो क्या रहा है? अरे साइंटिस्ट भाई, बहुत बुरी खबर है, हीरों के साथ साथ तुम्हारी अम्मा भी हमारे साथ धरती पर आ रही है, अब क्या करें? वह चुड़ैल रॉकेट की खिड़की पर चिपक गई है। अरे ये कैसे हो सकता है, आखिरकार वह चुड़ैल ऐसे कैसे कर सकती है? उसे तो अभी तक मर जाना चाहिए था, अब हम क्या करें डॉक्टर रिचर्ड? डॉक्टर कुमार, ये चुड़ैल अगर धरती पर पहुंच गई तो सबसे पहले हमें ही अपना शिकार बनाएगी। अगर हम जिंदा ही नहीं बचेंगे तो उन हीरों का क्या क्या करेंगे? हम इस रॉकेट को वापस धरती पर नहीं भुला सकते। अरे साइंटिस्टों, तुम्हारा नाज मिटे, क्या गुटरगू कर रहे हो? अब तो हमने तुम्हारा काम भी कर दिया, अब हमें वापस धरती पर आने दो। अब कोई फायदा नहीं है कालिया भाई, ये साइंटिस्ट जानते हैं, अगर इस रॉकेट के साथ साथ ये चुड़ैल भी धरती पर पहुंच गई तो सबसे पहले ये चुड़ैल उन दोनों को ही खाएगी, अब हमारा मरना तो तय है। साइंटिस्ट भाई, हमारे साथ ऐसा मत करो, कृपा करके हमें वापस धरती पर आने दो। नहीं नहीं कालिया, हमें माफ कर दो, हमें उस चुड़ैल के हाथों मरने का शौक नहीं है, अब तुम वापस धरती पर आने के सपने छोड़ दो। अरे लल्लन भाई, अब हम क्या करें, ये हमें धरती पर नहीं आने देंगे। डॉक्टर कुमार, अगर ये इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो ये जरूर खुद ब खुद पृथ्वी के वायुमंडल में घुस जाएंगे और हमारे ना चाहते हुए भी यहाँ धरती पर पहुँच जाएंगे। हमें इन्हें यहाँ आने से रोकना होगा। एक काम करो, इस रॉकेट की दिशा मंगल ग्रह की ओर मोड़ दो, इसी में हमारी भलाई है। साइंटिस्ट भाई, अब तुम हमारे साथ क्या करने वाले हो? देखो लल्लन, अब हम तुम्हें धरती पर नहीं आने दे सकते, इसलिए हम तुम्हारे रॉकेट की दिशा मंगल ग्रह की तरफ मोड़ रहे हैं। हमें माफ कर दो, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अरे नास मिटे, अब हमें मंगल ग्रह पर क्यों भेज रहा है, हम वहाँ क्या करेंगे? अरे मर गए रे, अब तो हमारा मरना पक्का है। अरे ललन भाई, हम इस दुनिया के पहले व्यक्ति होंगे जो मंगल ग्रह पर अपनी जान देंगे। फिर वह साइंटिस्ट उनके रॉकेट की दिशा मंगल ग्रह की ओर मोड़ देती है, फिर उनका रॉकेट मंगल ग्रह पर उतर जाता है। बधाई हो ललन और कालिया, तुम दोनों पहले व्यक्ति बन गए हो जो मंगल ग्रह तक पहुँचे हो। अरे कमबख्त साइंटिस्ट, हमें हमारे मरने की बधाई दे रहा है, हम यहाँ इस चुड़ैल के साथ क्या करें ये भी तो बता। ये चुड़ैल हमारे बाहर निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। कालिया भाई, हमारी ऑक्सीजन भी खत्म होने वाली है, अब क्या करें? लल्लन भाई, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, अब हमारा मरना तय है। साइंटिस्ट भाई,
हमारी ऑक्सीजन कुछ ही घंटों में खत्म होने वाली है, अब हम क्या करें? अगर आप इसका पार्ट 3 देखना चाहते हैं, तो कमेंट में जरूर बताइए। मुझे अगला भाग बनाने में बहुत खुशी होगी।